वेल दोस्तों, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के दम पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं और अब शाहरुख खान के लिए एक बेहतरीन खबर है। दरअसल शाहरुख खान का एवरग्रीन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसको अब सऊदी अरब में होने जा रहे रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। इसके अलावा फिल्म के एक्टर और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भी उस सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। सऊदी के जेद्दाह शहर में होने जा रहे इस इवेंट में 10 दिनों तक फ्री में फिल्मों की स्क्रीनिंग और म्यूजिक फंक्शन आयोजित किया जाएगा। यशराज फिल्म्स के सीईओ का कहना है कि उनकी कल्ट क्लासिक डीडीएलजे ऐसी पहली फिल्म होगी जिसकी इस इवेंट में ओपन स्क्रीनिंग की जाएगी। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हाल ही में घोषणा की है कि वो शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों की उनकी सर्विस के लिए सम्मानित करेगा। शाहरुख को ये अवार्ड इवेंट के उद्घाटन समारोह में दिया जाएगा और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सीईओ मोहम्मद अल तुर्की ने कहा है कि हम शाहरुख खान को ये अवार्ड देने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है। फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल होने के बावजूद वो अभी भी इंडियन सिनेमा के सबसे सक्सेसफुल आइकॉन के रूप में माने जाते हैं। उनका वेलकम करने के लिए हम सभी लोग बिल्कुल एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। शाहरुख ने भी आभार जताते हुए कहा है कि मैं रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सऊदी के लोग मेरी फिल्मों को काफी ज्यादा प्यार देते हैं, वो हमेशा मेरी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। मैं इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी ने इस संबंध में कहा है कि हमें खुशी है कि हमारी फिल्म रिलीज के 27 साल बाद भी वर्ल्ड सिनेमा के हिस्ट्री में सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। हमें खुशी ये भी है कि डीटीएलजे इस साल के रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ओपन स्क्रीनिंग में चलने वाली पहली फिल्म बनेगी। इसके साथ साथ शाहरुख खान का जो क्रेज है वो अब और ज्यादा बढ़ रहा है। वैसे आपको कैसा लगा ये पूरा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।